हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज। हम भारतीय इतिहास की सीरीज में मैं अब तक जो आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और ये मेरी आज की जो वीडियो है ये 4th नंबर की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको जो है जितने प्राचीन धर्म है, जैसे कि जो भागवत धर्म है, शैव धर्म है और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, उसके साथ जो मगध राज्य का उदय और सिकंदर, इन टॉपिक को कवर करने वाला हूं। और इनके विषय में जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, उन क्वेश्चन को मैं यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखते रहें, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको इसमें के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, ठीक है। इस धर्म वैष्णव मत का जो उद्भव हुआ था वह गुप्त काल से इसका उद्भव माना जाता है, और इस काल में ही जो है धर्म के लोगों इस धर्म को अपनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। वैष्णव धर्म के विषय में बात करी जाए तो जो उसकी प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म संप्रदाय के जो प्रमुख तत्व है वो है भक्ति और अहिंसा। ये भक्ति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म में जो विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, मत्स्य, कुर्म, बराह, शुकर, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध एवं कलिंग, ये जो 10 अवतार बताए गए वैष्णव धर्म में जो भगवान विष्णु के माने जाते हैं। विष्णु के जो 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता में मिलता है, और अवतारवाद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो भी भगवत गीता में ही मिलता है, ठीक है। तो इस जो वैष्णव धर्म से जो अधिकतर क्वेश्चन थे मैंने इसमें कवर किए हैं, जो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में नहीं बनती है, ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मात्र एक जो साधन बताया गया है वो बताया गया है भक्ति, अर्थात जो वैष्णव धर्म में जो मुख्यतः भक्ति को अधिक बल दिया गया है, ठीक है। तो शैव धर्म जो है इसकी तो उत्पत्ति है वैष्णव धर्म से पहले, यानी कि इसके से भी पहले की धर्म की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शैव धर्म में ही जो अथर्ववेद है उसमें शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है, और शिव का अभिप्राय जो होता है मंगल में होना था, अर्थात जो शिव का अभिप्राय है इनके अनुसार वो मंगल में होना है। स्त्री प्रजनन तंत्र अर्थात योनि भी शिव की भक्ति का रूप माना गया है। इस धर्म के अनुयायियों को मानना था कि इस जो पूजा में होता है, इस पूजा में लौलिक ऊर्जा का एक अपना एक अलग महत्व होता है। मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मत्स्य पुराण जो सबलिंग पूजा का जो वर्णन कहां किया गया है, तो ये सबसे पहले मत्स्य पुराण में किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी जो लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। शैव धर्म के अनुसार जो शिव के 11 रुद्र अवतार बताए गए हैं, इसमें कपिल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बलोहित, शास्त्र, अजपाद, अरिवंदुन, शंभु, चांद तथा भाव, ये जो है 11 शिव जी के अवतार बताए गए हैं शैव धर्म में। इनका सबसे योग्य जो सिद्धांत था वो होगा अघोर शिवाचार्य, जो सिद्धांतकार था, जो सिद्धांत इनका रचना करने वाला था वो अघोर शिवाचार्य था। शिव धर्म के अनुसार जो विकास की जो प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय इस प्रकार से थे, जैसे कि पशुपति और कालाक्विक और कालामुख और लिंगायत। देखिए, जो शैव धर्म है वो पूर्ण रूप से शिव जी को समर्पित है, अर्थात ये शिव को अपने देवता मानते थे, और उनके जो कई रूप थे इसमें देखिए जैसे था पशुपति, कापालिक और कालामुख और लिंगायत। लिंगायत जो समुदाय के लोग अभी भारत में है, जो दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे, जहाँ शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, वो जो है शिव लिंगायत समूह के जो लोग हैं उन्होंने इसका बनाया था, ठीक है। इसका वर्णन जो बामन पुराण में मिलता है। जो कापालिक समुदाय है इनके जो देव इष्ट देव थे वो भैरव थे। भैरव भी जो है शिव का ही एक नाम है, जिसका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। कालामुख संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनको जो क्या कहा जाता है, उनको महाव्रतधर कहा जाता है, ठीक है। लिंगायत को जो जगम और या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शैव वादियों को जो नेतृत्व किया था वो वासव ने किया था। पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कुलीज थे, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता था। अर्थात वेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा जाता था, ठीक है। कि नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मत्स्येन्द्र नाथ ने की थी, और कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें कुछ संप्रदाय और संस्थापक हैं, तो देखिए अनिश्चयवादी जो था इसका जो संस्थापक था, ये एक संप्रदाय है अनिश्चयवादी संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे वो थे संजय विठल पुत्र, ठीक है। और जो आजीवक है इसके जो मखली पुत्र गोसाल थे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो आजीवक है इसके जो संपादक कौन है, तो इसके संस्थापक सॉरी तो इसके जो संस्थापक है वो मखली पुत्र गोसाल है, और जो भौतिकवादी है इसके पकुत कंचानन भौतिक दर्शन, ये इनका है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विभिन्न धर्मों की जो भारतीय इतिहास में जिनका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं।
ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट बोल देते हैं। और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जेरूशलम के निकट बैथलहम में स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ईसा मसीह ने जो अपने शुरुआत के जो 30 वर्ष थे वो बैथलहम के निकट नाजरेथ में अपने बिताए उन्होंने। और इसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ बाइबिल की इन्होंने रचना भी की, ठीक है, जो इसमें इनके संदेश और अर्थात इनके जो ज्ञान के वर्णन किया गया है। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम जो मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। और ईसा मसीह जो 33वीं जो ईस्वी थी उसमें अपने जन्म के 33 साल बाद यानी कि सूली पर इनको चढ़ाया गया, और इनको सूली पर रोमन जो गवर्नर पोंटियास ने चढ़ाया। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इनको सूली पर चढ़ाने वाले जो गवर्नर का नाम क्या था, पोंटियास ने चढ़ाया था। ईसाई के जो त्रिरत्व में विश्वास रखते हैं उनका मानना है केवल वो, जिसे हर धर्म का एक अपना विश्वास होता है, तो ये विश्वास रखते हैं ईश्वर पिता में, ईश्वर पुत्र में और पवित्र आत्मा में। जब ये प्रेयर करते हैं तो इन 3 शब्दों का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। इनके दो जो शिष्य भी थे, एक एंड्रस और एक पीटर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब जी थे, और इनका जो जन्म हुआ था 570 ईसा में ये मक्का में उनका जन्म हुआ था। अर्थात जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे या जिनकी शिक्षाओं के कारण ईसाई धर्म आया है जीसस क्राइस्ट, उनके 570 साल बाद मक्का में हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ। इन्हें 610 ईसा पूर्व मक्का के पार हीरा नामक एक गुफा है वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और हजरत मोहम्मद जी की शादी जो हुई थी, हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ करा दी गई थी। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम था अली हजरत हुसैन, ठीक है। इवन इसहाक था, इन्होंने पैगंबर साहब के जीवन चरित्र पर कुछ लिखा है, अर्थात उनकी बायोग्राफी लिखी। मोहम्मद साहब पैगंबर के जो जन्मदिन के रूप में ईद मिलाद उल नबी पर्व बनाया जाता है, ठीक है, इनके जन्मदिन पर। इनका जो देवदूत था ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद को जो कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी, और पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया में 2 संप्रदायों में बट गया, जो आज भी है। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन अरबों के जरिए हुआ था, जो 712 ईस्वी में अरब ने सिंध जीत लिया, उसके बाद ये भारत में एंटर हो गए थे, ठीक है। भारत के इसी भाग को इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म भी माना जाता है, या इन्होंने इसको बना दिया था। अब आती है बात पारसी धर्म की, ठीक है। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो थे जरथुस्ट ईरानी थे, ठीक है। इनकी जो शिक्षा का संकलन है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। जो पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, और पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में है। अब पारसी धर्म से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, परंतु जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से बन सकते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर आने की संभावना है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मगध राज्य के उदय की, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो मगध राज्य है उसमें 3 वंश चले हैं। एक तो आपका हर्यक वंश था, एक शिशुनाग वंश था और एक नंद वंश था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ी सी। देखिए, जो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, ठीक है। और इस राज्य के इतिहास के विषय में कुछ जानकारी महाभारत से मिलती है। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे बृहद्रथ था, और जो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला जो शासक था मगध राज्य का, अर्थात मगध राज्य के जो पहला वंश था हर्यक वंश, उसका जो पहला राज्य था वो था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने जो हर्यक वंश की स्थापना की थी, ठीक है, और 544 ईसा पूर्व में ही मगध की राजगद्दी पर ये बैठ गया था, ठीक। बिंबिसार ने अंग देश का राजा जो भ्रमदत्त को युद्ध में हराया, जो बिंबिसार था, जो अंग देश था जिसका महाभारत में भी जिक्र है, उसका जो राजा था उस समय भ्रमदत्त था, उसको भी इन्होंने युद्ध में हराया था, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद जिसने अपनी राजधानी को राजगृह को बनाया, इसका भी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी किसने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो इसने अपनी राजधानी जो है बिंबिसार ने राजगृह को बनाया था। इस नगर का योजनाकार, जो योजनाकार था या वास्तुकार था या आर्किटेक्चर था, वो था महागोविंद। बिंबिसार की जो हत्या करती थी इसके पुत्र ने करती थी अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 493 वर्ष पूर्व ही बिंबिसार की जो हत्या कर दी गई थी, ठीक है। जो बुद्ध घोष के अनुसार इसके जो राज्य में 80,000 गांव थे और लगभग 900 मील तक इनका विस्तार था, इतना बड़ा राज्य था। बिंबिसार ने जो एक राजवैद इनके जो जीवक नाम था उसे जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, और इसने अपने राज्य का विस्तार अधिकतर अपने विवाह से किया, अर्थात इसके जो था ये विवाह करता था, और विवाह ऐसे राजा से करता था जिनके पास अच्छी संपत्ति होती थी, और उनकी बहन से या उनकी लड़कियों से शादी करके उनसे दहेज में उनका राज्य ले लेता था, ठीक है। जैसे इसने कौशल देश के नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से भी शादी की,
गई थी, वैशाली की जो चेटक की पुत्री थी चेलना उससे भी इसने शादी की, और मद्र देश का पंजाब यानी उस समय आपका पंजाब उस समय का जो मद्र देश था उसकी राजकुमार में क्षेमा से भी इन्होंने शादी की। तो ये अपनी शादी करके देश के रूप में वहां से पूरा राज्य अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है, तो अजात शत्रु की बात कर लेते हैं। अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो उससे पहले कुछ और तथ्य जानते हैं इनके बारे में। अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजात शत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजात शत्रु को पितृहंता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और वो की थी उसने गौतम पुत्र के जो चचेरा भाई था देवदत्त उसके कहने से इसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसका विवाह जो बाजीराव से हुआ था जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री थी, अर्थात अपने मामा की लड़की से इन्होंने शादी कर ली थी, क्योंकि इनके जो पिता थे बिंबिसार उन्होंने उनकी बहन से शादी करी थी और इन्होंने उनकी लड़की से शादी कर ली। इसने जो है लिच्छवी राज्य युद्ध में जीत लिया और उसके बाद जो मगध में उसको मिला लिया। इसने इस युद्ध में जो है महाशिलाकंटक और रथ मसूल नाम के दो शस्त्रों का प्रयोग किया। ये जो है पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस में आया था एक बार क्वेश्चन कि जो है जो लिच्छवी राज्य का जो युद्ध किया था इसने तो कौन से दो नए शस्त्रों का प्रयोग करा था। तो सबसे प्रथम जो दो नए शस्त्रों का प्रयोग था वो था एक तो महाशिलाकंटक और एक अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र जो उदयन ने करी। उदयन भी जो है अपने पिता की तरह ही निकला और इसने भी क्या करा अपने पिता की हत्या 461 ईसा पूर्व में कर दी। अब उदयन की सुन लेते हैं। तो देखिए उदयन ने जो है गंगा और सोन नदी है उनके संगम तट पर पाटलिपुत्र अर्थात आपका पटना नामक शहर की एक स्थापना की। जैन धर्म का अनुयायी था ये भी अपने पिता की तरह, और बौद्ध धर्म में उदयन को पितृहंता कहा गया। जैन धर्म ग्रंथों में इसका जो है पितृभक्ति बताया गया है, परंतु जो है बौद्ध धर्मों से देखा जाए तो उदयन ने अपने पिता का वध किया था। तो हरेक वंश का अंतिम राजा तो था उदयन था, यहाँ से हरेक वंश आपका खत्म हो जाता है। अब वंश आता है शिशुनाग वंश। ठीक, जो हरेक वंश का जो अंतिम राजा उदयन था उसका पुत्र था नागदशक। ठीक है, नागदशक की जो हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। ठीक है, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी और शिशुनाग ने अवंती राज्यों को मगध में मिला लिया। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी था वो शासक कालाशोक 394 ईसा पूर्व में इसको घोषित कर दिया गया या इसको बना दिया गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। उसके बाद आता है आपका नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद था और ये एक नाई जाति से था। ये सिकंदर का समकालीन था और ये चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक, अब ये है इसमें क्वेश्चन आता है ये वाला कि नंद वंश का जो संस्थापक कौन है महापद्मानंद था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बस इसमें से आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो नंद वंश का जो विनाश जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया मिलकर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य इनकी रणनीति राजनीति बहुत अच्छी थी। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। इस वंश का अंतिम जो धनानंद था वो अंतिम शासक था और जिसका सेनापति था बट्टशाहल। अब बात कर लेते हैं सिकंदर और भारत पर यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो सिकंदर महान के बारे में आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर बोल देते हैं। ठीक है, भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरान की ओर से हुआ था। ईरान के जो हक मनी वंश के जो राजाओं ने उन्होंने इस पर आक्रमण किया। डेरिस फर्स्ट ने भारत पर सर्वप्रथम विजय हासिल की और डेरिस फर्स्ट डेरिस प्रथम जो था उसका पुत्र था डेरेक्स। ठीक है, जिसने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस भेजा था और छत्र प्रणाली का विकास जो ईरानी आक्रमण के कारण ही जो हुआ पता चला। छत्र प्रणाली का जो ईरानी आक्रमण के कारण ही पता चला था। डेरिस द्वितीय जो था डेरिस तृतीय जो था वो ने भारतीय सैनिकों की सूचीबद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, ये जो डेरियस थे ये ईरानी थे। सबसे पहले भारत में आए, भारत के कुछ कब्जे पर उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया और उसके बाद जो है इसका जो डेरिस का पुत्र जेरेक्स हुआ और जेरेक्स ने भी जो है भारत के सैनिकों को लड़ने के लिए सबसे पहले ग्रीस भेजा और तैयार करा। उसके बाद इन्हें सिकंदर का पता चला और सिकंदर जो है इन्हें भारतीय सैनिकों की जो डेरिस तृतीय था जो उसके बाद आया था जेरेक्स के, तो उसने भारतीय सैनिकों की सूची बनाई और उसके बाद सिकंदर से लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया। अब सिकंदर का जो जन्म, अब सिकंदर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए सिकंदर का जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था फिलिप और इनका जो गुरु था वो महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। अरिस्टोटल जो है इतने महान है कि इन्होंने हर सब्जेक्ट में हर विषय में एक शास्त्र लिख रखा है, हर विषय के ज्ञाता थे। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बुके पैलेस। इसे बिकाऊ पैलेस या बुके पैलेस बोल देते हैं। बुके पैलेस इसके घोड़े का नाम था और इसी घोड़े के नाम पर इनने एक शहर की भी स्थापना की थी। तो सिकंदर का जो प्रधान सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया जिसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये झेलम जो है बिस्तर नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध का जो नाम
जो है झेलम के युद्ध से नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत लंबे समय से थकी हुई थी। उसके बाद सिकंदर का जो स्थल मार्ग था वो 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। उसके बाद जो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना भी की। पहला निकाया विजयनगर अब और दूसरा बुके पहले जो अपने घोड़े के नाम पर ने उस शहर का नाम रखा था। और तक्षशिला के जो राजा थे आम्बी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। सिकंदर की विशाल सेना थी और सिकंदर की सेना जल जो सेनापति था निर्याकस इसके द्वारा समुद्र के रास्ते वापस गई थी। और सिकंदर जो भी राज्य अपने भारत में जीते जितने भी उन्होंने प्रदेश भारत में जीते वो जो है प्रदेश ये भारत में तीन प्रदेशों में बांट दिया। जितनी भी उन्होंने भूमि जीती थी वो वहाँ तीन प्रदेशों में बांट दिया उसको। और उसके बाद जो है 19 महीने तक ये वहां पर रहा। उसके बाद जब जाने के बाद इतने जो सेनापति था फिलिप को सौंप कर चला गया। सारी जो भूमि उसको सौंप कर अपने आप ही वहां सर चला गया। इसके अभियान में से जो भारतीयों को चार स्थल और चार जलमार्ग यानी कि जो चार स्थल मार्गों का और चार जलमार्गों के विषय में पता चला। और सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, तो देखिए जितना भी मैंने कोशिश किया है इसमें सिकंदर और जितने भी टॉपिक मैंने आज दिए हैं इनसे अधिक बाहर के क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल है। यदि आप आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है इससे बाहर एक दो क्वेश्चन आ जाए, परंतु अगर आप एसएससी या रेलवे वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे टॉपिक से। देखिए ये मेरी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और वो जल्दी ही मैं इससे अगली वाली जो सीरीज है उसके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपनी जो अगली वीडियो में आपके लिए जो वीडियो नंबर में इसकी जो ये फोर्थ वीडियो है हिस्ट्री की और इसकी फाइव वीडियो होगी उसमें मैं आपको जल्दी ही जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें अगली वीडियो में मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के जो यवन राज्य थे और शुंग वंश कणव एवं सातवाहन राजवंश के विषय में जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको मैं कवर करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है www.msknowledgehub.com। ठीक है, यहाँ पर मैं आर्टिकल लिखता रहता हूँ, आप यहाँ से भी अपने जो पोस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी प्रकार के आर्टिकल डाल रहा हूँ और मैं इसका पीडीएफ बनाकर आपको इसके करंट में भी दे दूंगा। यहाँ पर ये मेरे कुछ कैटेगरीज हैं, इन पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और वीडियो के साथ साथ जो मैंने ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर भी लिखे हैं तो आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आप इस आर्टिकल को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, वहां से आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या अपने आप नोट्स भी यहां से बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं आप यहां से इंग्लिश में बना लीजिएगा, इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं आपको। अगर आपको हिंदी में बनाने हैं तो हिंदी में भी आप यहां से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा जिससे कि जो आप अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। कि वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता हो कि आपको कुछ वीडियो से प्राप्त हुआ, आपको कोई नॉलेज मिली है या आपको कोई क्वेश्चन आंसर इसमें से मिले हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे जो शेयर करें उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे इससे मनोबल बढ़ता है और हम आगामी समय में और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाइक आएंगे जिसमें और भी ज्यादा एनर्जीफुल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करके वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।